हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में गाइस, कि हमारा पैसा बकराई तक मिल सकता है या फिर 2021 में हमारा सारा पैसा मिल सकता है, या हमारा पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। ये तो आपको मैंने डाउट क्लियर कर रखा, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। काफ़ी बंदों का ये कहना है कि भाई अपडेट नहीं मिल रहा है, अपडेट के बारे में बात करेंगे। और गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेमेंट से रिलेटेड बारे में, कि आपको पेमेंट मिल कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। और गाइस, इतना टाइम हो चुका है, अभी तक किसी को पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट तो स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी बंदे परेशान है कि भाई पैसा मिल पा रहा है, नहीं कोई अपडेट मिल रहा है। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहना है। बट से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है लाइक कर दिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस, हम टाइम्स के वीडियो को वॉच करते हैं। तो सबसे पहले हम मुद्दे की बात करते हैं कि भाई पेमेंट, भाई पेमेंट में तो कोई टाइम ही लगता है। मैं ऑलरेडी आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि पेमेंट में तो टाइम ही लगता है, और वह इतने दिन हो चुके हैं अभी किसी को पेमेंट नहीं मिला है। काफ़ी बंदों को पेमेंट मिल चुका है, काफ़ी बंदों को भरोसा नहीं कि हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा वेट करते रहिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। और अब बात करते हैं भाई अपडेट, तो भाई अपडेट आपको कब तक मिल पाएगा? अपडेट तो गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई 15 दिन का वेट कर लो, 15 दिन के बाद बकरा ईद आ गई है। और गाइस आपको पता चल जाएगी, उससे पहले आपको तो अपडेट आपको मिल ही जाएगा। और गाइस हर जुम्मे को अपडेट मिलता था, लेकिन गाइस आपको कोई जुम्मे को अपडेट भी नहीं मिलता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर सभी कुछ प्रोसेसिंग में वर्क चल रहा है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि भाई कितना समय लगेगा, कैसे कैसे करना है, आपको सभी कुछ उसमें बताया जाएगा। काफ़ी बंदों का यही कहना था कि भाई कंपनी भाग चुकी है, पूरी तरीके से भाग चुकी है, फ्रॉड कर चुकी है, किसी को पैसा नहीं देगी। ये मैंने बताया था कि आपने आपने अपने मन से निगेटिव निकाल दीजिए, कंपनी भाग चुकी है। इतना यहाँ तक कंपनी ले आई, अब क्या कंपनी भागती? कंपनी भागती तो किसी से फॉर्म फिलअप नहीं करवाती, यदि कंपनी भाग जाती किसी को पैसा भी नहीं देती। काफ़ी बंदों के मन में ये डाउट है, तो भाई सबसे पहले इस डाउट को आपको क्लियर करें, और क्लियर नहीं हुआ तो भाई आपको बकरा ईद तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसने पेमेंट तक स्टार्ट कर दिया, और वाइज आपको पता चल जाए कितने बंदों के अकाउंट में बकरा ईद तक पेमेंट पहुंच पाएगा। बकरा ईद तक जितने बंदों के अकाउंट में पेमेंट पहुंच पाएगा, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2021 में कितने बंदों को पेमेंट पहुंच पाएगा। और वाइज से अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा पेमेंट कब तक मिल सकता है। इतने सारे बंदे हैं, ये नहीं कि सबसे पहले आपको मिले, काफ़ी बंदे हैं, सभी को धीरे धीरे करके पैसा दिया जाएगा। जिस बंदे को सामने डाटा आता रहेगा, उसका चेक होता रहेगा, उसके बाद आपके अकाउंट में पेमेंट शेड्यूल कर दिया जाएगा। ज़्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट कर दे, थोड़ा सा पेशेंस बना दे। पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है, काफ़ी बंदों को ज़्यादा परेशान है। तो परेशानी उठाने से आपको पैसा भी नहीं मिल पाएगा, और काफ़ी बंदे कॉल करते हैं, कॉल रिसीव भी नहीं किया जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी में कोई कॉल रिसीव नहीं किया जा सकता है। इतने बंदों को ज़्यादा, जिसका ज़्यादा पैसा होता है वो कुछ भी बोल सकता है, इसलिए कॉल रिसीव नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात, उसके कब्जे में सारा पैसा, इसलिए कॉल रिसीव भी नहीं किया जाएगा। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, जितना भी आपका पैसा है बकरा ईद तक, तो गाइस मिलना मुश्किल है। 2021 गाइस लगता है शायद खत्म हो जाएगा। इतनी आराम आराम से पेमेंट डाल रहे हैं, तो गाइस एकदम से पेमेंट डल पाएगा जब भी आपको पैसा मिल पाएगा। 2021 में खत्म हो जाएगा, सभी बंदों को पेमेंट नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले तो इनको सारा डाटा मिला नहीं है, कुछ मिला है वो भी बोल रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कर कर लिया है। आपने जितना भी डाटा लिया है वो कहीं से भी लिया, जैसे बंदों ने पैसा जमा करा था कंपनी में, ऐसे सभी बंदों को पैसा मिलना चाहिए। काफ़ी बंदे भाई रमज़ान में खुशी थे कि हमारा पैसा मिलने वाला, और गाइस रमज़ान में पैसा नहीं मिला, इसलिए गाइस बंदों को निगेटिव सोच आ रही है कि पैसा नहीं मिल पाएगा। इसने काफ़ी झूठ बोला था, लेकिन अब फाइनली पेमेंट स्टार्ट हो गया। अभी बंदे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि भाई पेमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, सब फेक न्यूज़ है, यूट्यूबर सब पागल बना रहे हैं। तो पागल कोई नहीं बना रहा है, आपको पेमेंट तो स्टार्ट कर दिया, सब प्रूफ दिखा रहे हैं। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पेमेंट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना रही है, थोड़ा सा वेट करते रहिए। तो आज की स्टूडियो में ये बताने वाला, ज़्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह हमारा ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। थोड़ी सी दुआ करते रहिए कि हमारा पैसा ठीक ठाक मिल जाए। काफ़ी बंदों को यही आता है कि भाई पैसा नहीं मिल पा रहा है, पैसा मिल जाएगा भाई, थोड़ा सा वेट करते रहिए। इतने दिनों से हम वेट करते रहे, थोड़ा सा वेट करने में कोई परेशानी भी नहीं है। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि डॉक्टर नेहरू से एक तो हैं भाई, ये नियत से नहीं है। तो भाई ये तो सभी को पता है, नियत से नहीं है। एक बार ही डेट देनी थी, और गाइस जहाँ एक साल की डेट देते, बंदों को भरोसा रहता है कि भाई एक बार फाइनल डेट मिली है, इन्होंने झूठ नहीं बोला। अब जैसे ही पेमेंट स्टार्ट करना है, जब भी, इसलिए तो बंदे भरोसा नहीं कर रहे कि पेमेंट स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इन्होंने डेट दी, सब ये रद्द करती रहती हैं, और गाइस किसी को पैसे नहीं देती हैं। और इन्होंने बोला कि अब हफ्ते में आपको, रमज़ान के हफ्ते में शुरू में पैसा मिल जाएगा, वहाँ पर नहीं मिला। और गाइस इतना समय हो चुका है, 2 महीने लगभग हो चुके हैं, रमज़ान भी खत्म हुए, और गाइस किसी को पैसा नहीं मिल पाया है। अब तो पेमेंट स्टार्ट कर दिया, और गाइस कुछ बंदों को शुरू में डाला था 10-15 हज़ार रुपये, उन्हें गिनवाते रहते थे कि हमने पेमेंट स्टार्ट कर दिया है। 10-15 हज़ार रुपये में क्या हो रहा है, बड़ी कंपनी वाइज कोई भी डाल सकता है। तो थोड़ा सा आप वेट करते रहिए, आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि भाई कयामत आ जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा। भाई यार ऐसी सोच मत रहो कयामत के, भाई आपको पैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाएगा। कुछ बंदे भाई ये बोलते हैं कि हर वीडियो में भाई तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बोलता है, आप इतनी स्पीड से क्यों बोलते हो? तो भाई आज की वीडियो में मैंने सभी कुछ आसानी के साथ आराम आराम से बोलकर सभी कुछ समझाया है। तो वैसे एक दिन को मैं लाइव आऊँगा, और वहाँ पर मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूँगा। लाइव आना चाहूँ तो जहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइव में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर लाइव में मैं आपको सभी कुछ बता दूँगा। तो ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए गाइस कमेंट कर जरूर बताना। और गाइस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि गाइस आपको
2021 में पेमेंट मिलना मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में धीरे धीरे वर्क चल रहा है। तो वही यहाँ पर आप समझ गए, लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, अब तो पेमेंट स्टार्ट एकदम तेज तेज करना चाहिए। तो वही यहाँ पर हम कोई क्लियर नहीं बता पाएंगे कि आपको 2021 में सारा पेमेंट मिल सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 15,000 रुपये इतने दिनों में डाले थे, और जब तो पेमेंट स्टार्ट कर दिया 2-2 लाख रुपये डाल रहे हैं, लेकिन जिस बंदे को 23 लाख रुपये, तो उनको 23 लाख सारा नहीं मिल पाएगा। 23 लाख आपको मिल जाएगा, तो वही बाकी बंदे को क्या मिलेगा, बाकी बंदे को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए गाइस आज किसी वीडियो में यही बताने वाला था, इस वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ हमारे चैनल वाले पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर जरूर बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना कर लूँगा। फिर मैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले ध्यान रखना, एंड बाय।